के बाद मेरी सबसे फेवरेट चीज की बारी आ गई, ज्वेलरी। रेडी हुआ, मैं रेडी शेडी हो गया। आज मेरा दिल नहीं था कि मैं बाल आज खोलूं, तो इसलिए मैंने आज टाई कर ली। यार हम पहुंच गए KFC, मेरा और मम्मा का बहुत 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 ज्यादा पसंदीदा जगह। सोच रही थी कि मामा मैं कलर कौन सा पहनूं, मामा बोलती तुम सारी बातें यहाँ ही कर लोगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में। तो जी आप बोलते होंगे कि मैंने ये चश्मा वश्मा क्यों लगाया। मैं पढ़ रही थी और अचानकली सडनली मामा का प्रोग्राम बना कि आ जाओ बाहर चल। तो मैंने फटाफट की अपनी बुक्स बंद और मैंने उसको रखा ड्रॉअर में। मैंने कहा चलो शॉपिंग देखी और पूछ पूछ। मैंने कहा शॉपिंग में मैं ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए मैंने कहा शॉपिंग करने चलते हैं। फिर मम्मा बोली थी काफी दिन हो गए हमने टाइम स्पेंड नहीं किया, जो कहीं चलते हैं बाहर, इसी बहाने कोई आउटिंग हो जाएगी। इतने दिन हो गए वाकई यार, मम्मा के साथ मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं स्पेंड हो पा रहा। मैं और मम्मा, मैं भी काफी बिजी था, मम्मा भी घर के काम, क्लासेस वगैरह चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, तो मैं उसमें बिजी थी और फिर मामा अपने काम में बिजी थे। इस वजह से मामा बोलती आ जाओ आज चलते हैं शॉपिंग। तो मैंने कहा आपके साथ साथ मैं रेडी भी होके दिखाऊंगी। मैंने अपनी बुक्स को किया बंद, मैंने कहा आ जाओ चलते। तो जी आपको फिर मैं साथ साथ दिखाऊंगी भी शॉपिंग। और अभी मैं आपको मेकअप करके दिखाऊंगी, मतलब मेकअप करते करते भी दिखाऊंगी, मेकअप करके दिखाऊंगी, मेकअप करके तो सब दिखाते हैं। मैं आपको अभी तैयार होके भी दिखाऊंगी सारा, जब रेडी हूँ जी। मैंने अपनी की बुक्स बंद, मैंने इनको लॉक लगाया। मैंने कहा चलो एक तो ये लॉक फिंग क्या हो गया, और फिर याद आया कि जी मैंने तो कपड़े ही नहीं प्रेस किए। मैंने कहा जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करूं, फटाफट कपड़े प्रेस करती हूं और फिर उसके बाद रेडी होती हूं। मुझे दुनिया का सबसे बुरा काम पता है क्या लगता है? कपड़े प्रेस करना। नफरत है मुझे कपड़े प्रेस करने से। मैं बोलती हूं मुझे कोई और करके दे दे। मैंने कहा जल्दी जल्दी आप लोगों को ज़रा मैं मेकअप करके दिखा दूँ अपना। अगर मैं एक एक चीज़ दिखाने बैठी तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए जल्दी जल्दी मैंने कहा कर लूँ। आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादा इतना मतलब हैवी मेकअप नहीं करती इतना ज़्यादा, मुझे लाइट मेकअप बहुत पसंद है। और मेकअप में ब्लश ऑन तो लाइक मेरा फेवरेट है। ब्लश ऑन तो मैं बहुत दीवानी हूँ ब्लश ऑन की, आई लव ब्लश ऑन। और सेकेंडली मुझे जो है डे में तो मैं और ज़्यादा लाइक दूसरी लड़कियों को भी प्रेफर करती हूँ कि आप भी डे में तो इंसान को कम ही मेकअप करना चाहिए। और ये लिप कलर तो मेरा लाइक बहुत पीची, मुझे पिंक पसंद है। बहुत ज़्यादा शॉकिंग पिंक मैं नहीं लगाती, नेचुरल पिंक लगाती हूँ। मैंने कहा ज़रा आईज़ पे हल्का स्मोकी इफेक्ट दे दूँ, बहुत ज़्यादा वाइट लग रही हैं, रूखी सूखी लग रही हैं। हल्का लाइट सा मैंने ब्रश से उसको ब्राउन शेड दे दिया। फिर मैंने कहा ज़रा मस्कारा वगैरह लगाते हैं। तो जी अब हो गई हूँ मैं रेडी, प्यारा सा जैसा कि आपको देख लिया मैं रेडी हो गया। मैंने पैरट कलर की शर्ट पहनी है, तो मैं अभी ज्वेलरी पहनूंगी जल्द से जल्द, फिर आपको दिखाती हूँ। एक सेकेंड मम्मा मेरी ज्वेलरी निकालना। उसके बाद जी मेकअप के बाद मेरी सबसे फेवरेट चीज़ की बारी आ गई, ज्वेलरी। मुझे ब्रेसलेट्स और लाइक बैंगल्स पहनना बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से पहनती हूँ। जैसे मुझे मेकअप करने का, तैयार होने का बहुत शौक है, वैसे ही मैं ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा ही दीवानी हूँ। मुझे लाइक बहुत मैं कलेक्शन है मेरे पास, मतलब जितनी लड़कियों के पास होती है उतनी नहीं, लेकिन मेरे लिहाज से बहुत ज़्यादा कलेक्शन है मेरे पास। तो मैं बहुत ज़्यादा घड़ियाँ और ब्रेसलेट्स रिंग मैं जमा करके रखती हूँ। मम्मा मुझे बना रही थी जी। मैं तैयार हो गई हूँ, मैं रेडी शेडी हो गई। आज मेरा दिल नहीं था कि मैं बाल आज खोलूँ, तो इसलिए मैंने आज टाई कर दी। अब हम निकलने लगे हैं बस। मैं क्या आप लोग को अपना फुल लुक दिखा दूँ। मैंने शर्ट पहनी है और ये मैं
चलो आ जाओ मम्मा, चले। मैं और मम्मा फटाफट जल्दी पहुंच गए थे मॉल एक सेकंड में। हमने कहा जल्दी जल्दी विजिट करते हैं, देखते हैं। दोपहर में आने का ये फ़ायदा होता है कि रश भी कम होता है और आप जल्दी से देख लेते हो, और शाम में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तो फिर ये होता है कि जैसे अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें जो लगाई होती हैं तो वो लोग ले जाते हैं, उसमें साइजेस भी कम होते हैं फिर। और मैं और मम्मा देख रहे हैं। अब कहाँ जाना है? मॉल के सारे स्टोर घूमने के बाद हमें कुछ ना पसंद आया और हम पहुंच गए KFC, मेरा और मम्मा का बहुत 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 ज़्यादा पसंदीदा जगह। मुझे और मम्मा को बहुत ज़्यादा पसंद है KFC। मैंने कहा आ जाओ, आज हमारा एक लंच ही हो जाए, मेरी और मम्मा की एक डेट हो गई। हमने साथ घूमा फिरा और साथ हमने इंजॉय किया। मैंने कहा आ जाओ यार, कुछ मिला तो है नहीं, कुछ खा पी के ही चलते हैं, एक टाइम भी स्पेंड हो जाएगा साथ में। फिर क्लासेस होती हैं तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता ज़्यादा बाहर निकलने का। मामा मुझे बोल रही थी मुझे नींद आ रही है। दोपहर में मेरी और मामा की आदत है नैप लेने की, हम ज़रूर सोते हैं। तो मैंने कहा आ जाओ ज़रा आपकी वीडियो वीडियो बनाती हूँ। मामा से बातें काफ़ी करने के बाद मुझे ख्याल आया कि यार मामा अब यहाँ से तो कुछ पसंद नहीं आया तो अब क्या करें। मामा बोलती चलो अब देखते हैं, घर चलेंगे तो फिर कुछ करेंगे, कहाँ से लेना है जो भी करना है तुम्हें मैं फिर बताऊँगी, या हो सकता है हम खुद ही डिज़ाइन कर लें। तो मैं मामा से पूछ रही थी कि मामा मैं कलर कौन सा पहनूँ। मामा बोलती तुम सारी बातें यहाँ ही कर लोगी, कुछ घर के लिए भी बचा दो। तो मेरा बहुत अच्छा आज का दिन गुजरा था मामा के साथ। काफ़ी टाइम के बाद मैंने और मामा ने बहुत सारी बातें की, आपस में टाइम स्पेंड किया। क्लासेस होती हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता, उसका भी काम होता है, सर देते हैं काम वगैरह तो वो भी करना होता है। उसके अलावा बहुत मज़ा आया हम दोनों का आज। तो जी हम अभी अभी आए हैं, मैं मम्मा, हम काफ़ी थक गए थे। आज मैंने और पापा ने थोड़ा टाइम भी साथ स्पेंड कर लिया, खाना शाना खा लिया। तो जी हमने करनी थी शादी से रिलेटेड शॉपिंग, मामा की शादी है तो इसीलिए मैंने कहा हम थोड़े फैंसी कपड़े लेना चाह रहे थे लेकिन हमें पसंद नहीं आए थे, तो इसीलिए मामा बोलते हैं अब देखेंगे कहीं और से कि क्या करना है क्या नहीं। आज काफी अच्छा टाइम मामा के साथ गुजरा मेरा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको जरूर लाइक करें, और सेकेंडली मुझे कमेंट करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।